कि जिन्हें हम म्यूचुअल फ्रेंड्स कहते हैं, फेसबुक की सहायता से वो रिटन इंग्लिश में गलत कहे जाते हैं। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। जिन्हें आप फेसबुक पर डेली देखते हैं, 75 म्यूचुअल फ्रेंड्स, 76 म्यूचुअल फ्रेंड्स, आई ऑनेस्टली से उन्हें लिखित में गलत माना जाता है। ऐसा क्यों? आप जरा बुक्स से देखिए तो बुक्स आपको आंसर तो कर देंगी। जिन बुक्स को हम पढ़कर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सीखते हैं, 250 पेजेस के आसपास में वो पूरी ग्रामर सिखा देती हैं, दे आर करेक्ट, बट वहां पर रीजन मौजूद नहीं होता। ऐसा क्यों? आई रिपीट, जरा सर्च कीजिएगा कि फ्रेंड्स कॉमन होते हैं कि म्यूचुअल होते हैं। नमस्कार, दिस इज कपिलदेव शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। दिस इज द 11th वीडियो ऑफ एडजेक्टिव्स। और अभी तक के टर्म्स में हमने एडजेक्टिव्स के हर टर्म को बहुत ही बारीकी से देखा। इन द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग, जस्ट हैव अ क्विक रिकॉल, आपने एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में देखा। सेकेंड वीडियो में यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स, और बहुत अच्छे से मार्क किया था माय और माइन का डिफरेंस। देखने में माय हमें एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन लग सकता है, बट होता एडजेक्टिव है। कैसे? जरा वो वीडियो चेक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। हमेशा कपिल शर्मा किसी का नाम होता है और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये बातें ठीक हैं दूर की दृष्टि से। व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, हो सकता है कपिल वहां पर एडजेक्टिव हो। और ऐसे कई टर्म्स को एडजेक्टिव की तरह देखा। द रीजन बिहाइंड सेइंग 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट, और 10 रुपीज कब होता है? वेन टू 5 stars होटल या 5 star होटल, रीजन जरा उस वीडियो को चेक कीजिएगा। थर्ड वीडियो, यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। और उसके बाद हर शब्द को उसके यूज के अनुसार, यूज ऑफ सम एंड एनी, यूज ऑफ मच एंड मैनी, यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यूज ऑफ लेट, लेटर, लेटेस्ट, फॉर्मर, लेटर, लास्ट, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और लास्ट वीडियो में यूज ऑफ नियर एंड नेक्स्ट। और पार्सिंग के आधार पर आपको ये भी बताया कि नियर इंग्लिश में एडजेक्टिव है, नियर इंग्लिश में एडवर्ब है, नियर इंग्लिश में प्रपोजिशन भी होता है, और शायद हम नहीं जानते थे नियर इंग्लिश में वर्ब भी होती है। ऐसे कई वेरिएशंस के आधार पर हर वीडियो में बेसिक और एडवांस लेवल आप देखते होंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो जरा जल्दी से, न्यू सब्सक्राइबर हैं सॉरी, तो जरा जल्दी से चैनल को स्क्रॉल कीजिए और आपको काफी सारे टर्म्स उनकी बारीकियों के साथ बाखूबी मिल जाएंगे। This is the 11th video, as I mentioned, and we are going to talk about the next part in adjectives, and that's an impressive one. Use of mutual and common. I repeat, use of mutual and common. और mutual और common के इस use में एक daily life का term भी आपको add हो जाएगा। जो लोग grammar के लिए इन videos को देखते हैं, you are most welcome. Always आपका support मुझे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वोकैबुलरी के लिए या फिर डेली लाइफ के स्पोकन पार्ट के लिए अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो, आशा रखता हूँ और जो स्पोकन के लिए इन वीडियोस को देखते हैं तो आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज लेट्स डिस्कस द यूज ऑफ म्यूचुअल एंड कॉमन। बिकॉज एक टर्म यहां पर एड कर दूं, मन नहीं मानता कि जिन्हें हम म्यूचुअल फ्रेंड्स कहते हैं, फेसबुक की सहायता से वो रिटन इंग्लिश में गलत कहे जाते हैं। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। जिन्हें आप फेसबुक पर डेली देखते हैं, 75 म्यूचुअल फ्रेंड्स, 76 म्यूचुअल फ्रेंड्स, आई ऑनेस्टली से उन्हें लिखित में गलत माना जाता है। ऐसा क्यों? आप जरा बुक्स से देखिए तो बुक्स आपको आंसर तो कर देंगी। जिन बुक्स को हम पढ़कर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सीखते हैं, 250 पेजेस के आसपास में वो पूरी ग्रामर सिखा देती हैं, दे आर करेक्ट, बट वहां पर रीजन मौजूद नहीं होता। ऐसा क्यों? आई रिपीट, जरा सर्च कीजिएगा कि फ्रेंड्स कॉमन होते हैं कि म्यूचुअल होते हैं। वैसे मैं वीडियो ये बहुत डिटेल में आपको मार्क करूंगा, लेकिन इन जस्ट फॉर अ ग्लैंस आई वुड लव टू मार्क यू दैट फ्रेंड्स म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। अब ये बात सुनकर थोड़ा सा ट्रस्ट मेरे से कम हो जाता है। सर, आई ट्रस्ट यू, बट फेसबुक पर जो म्यूचुअल फ्रेंड्स लिखा होता है, फिर वो क्यों लिखा होता है? ये वो अनपढ़ है क्या, या वो गलत लिखते हैं? तो भी वो सारा डिस्क्रिप्शन आप इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दीज टर्म्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट एडजेक्टिव, यूज ऑफ म्यूचुअल एंड कॉमन। अगर इनके रूट वर्ड्स को देखा जाए, अगर इनके बेस मीनिंग को देखा जाए, तो बिफोर एक्सप्लेनिंग फ्रेंड्स म्यूचुअल होते हैं कि कॉमन होते हैं, कब म्यूचुअल होते हैं, कब कॉमन होते हैं, और क्यों ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता, इनके रूट मीनिंग को देखिए, इनके बेस मीनिंग को देखिए। तो डिक्शनरीज के अनुसार द म्यूचुअल टर्म रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल रिलेशन।
I repeat, the term mutual shows reciprocal relation, yani ke ek idhar to dusra udhar. Whereas the term common shows joint possession. I repeat, common shows joint possession, whereas mutual shows reciprocal relation. तो जनरल तौर पर मुझे याद है, इन टर्म्स को प्रैक्टिकल लाइफ से अगर दिखाना चाहूँ तो टीवी पर ऐड आता है म्यूचुअल फंड्स का, हमने बाखूबी देखा होगा, एक रैपर की तरह वो रैप करके बोल जाते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ब्लाब्ला। म्यूचुअल फंड्स को क्यों कहा जाता है म्यूचुअल, उन्हें कॉमन फंड्स क्यों नहीं कहा जाता? तो कॉमन सेंस से जज कीजिए। आई रिपीट, म्यूचुअल शोज रेसिप्रोकल रिलेशन, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। आज मेरे पास पैसा है, मैंने आपको दे दिया, और कल जब मुझे पैसे की नीड होगी तो मैं आपसे ले सकता हूँ। आई रिपीट, आज जब मेरे पास पैसा है म्यूचुअल फंड्स, तो मैंने आपको दे रखा है, और जब कल मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे वापस ले सकता हूँ। कॉमन सेंस तो यही कहता है। हमने फिजिक्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस नॉट कॉमन इंडक्टेंस, कि वहाँ पर इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उसकी वजह से वोल्टेज दूसरी वाली में जनरेट होता है। अगर वहीं का वहीं होता तो शायद उसे कॉमन फंड्स कॉमन इंडक्टेंस कहा जाता। अगर मेरे पैसे देने पर वो भी मुझे उसी वक्त पैसे दे देते, उसी वक्त ना कि बाद में, तो उसे कॉमन फंड्स कहा जा सकता था। तो म्यूचुअल शोज रेसिप्रोकल रिलेशन, मेरे पास पैसा है, मैंने आपको दे दिया, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आपसे लिख सकता हूँ। एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें अप और डाउन नहीं जाती। इन द सेम फॉर्मुलेशन वी कॉल म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ की कॉयल का जो फ्लक्स है वो इसी में जनरेट नहीं होता, वो यहाँ तक आ जाता है और इस कॉयल का फ्लक्स जनरेट होकर यहाँ तक चला जाता है। ऐसा मुझे याद है, फिजिक्स में पढ़ाया गया था, आप नोटिस कीजिएगा। और नहीं पता तो जब आप जॉब करेंगे एक टर्म यूज़ होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं करता, बट फॉर एग्जाम्पल, और मेरी पोस्टिंग आपने नोएडा कर रखी है, मुझे 2 घंटे डेली ट्रैवल करके जाना होता है। कोई और मेरे ही ब्रांच में कॉलीग हैं जिन जो नोएडा से बिलोंग करते हैं, आपने उनकी पोस्टिंग दिल्ली कर रखी है, बेचारे उसको 2 घंटे यहाँ पर वापस आना पड़ता है, तो हम दोनों एक एप्लीकेशन लिख कर दे देते हैं जिसके बदले हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहा जाएगा। क्यों? बिकॉज जो यहाँ पर था वो अब वहाँ पर पहुँच गया और जो वहाँ पर था वो अब यहाँ पर आ गया। I reciprocate, इनका मतलब हमेशा reciprocal के टर्म्स में किया जाता है, ऐसा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कहती है। कहीं कॉमन ट्रांसफ़र कर देते तो आप भी इधर आ जाते, मैं भी इधर आ जाता, फिर उस ब्रांच को कौन देखता? तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र, एक चीज़ यहाँ पर दूसरी चीज़ वहाँ पर, म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड म्यूचुअल, और बहुत सारे टर्म्स के आधार पर जज कीजिएगा। व्हेन यू से कॉमन, हमारे पास चीज़ें समान स्तर पर देखी जाती हैं, भाई मेरी और आदतें हैं, उसकी आदतें, हम दोनों की आदतें आपस में कॉमन कही जाती हैं, ना कि म्यूचुअल कही जाती हैं। दिस गिव्स बर्थ, इस वजह से एक टर्म डिराइव होता है कि जब आप फ्रेंड्स को यूज करते हैं, व्हेन यू से वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं, अब फ्रेंड्स हैं तो व्हाट यू डिफाइन, इनके बीच आदतें म्यूचुअल होंगी, एक इधर तो दूसरा उधर, दूसरा इधर तो दूसरा इधर, यदि है तो आप उन्हें कहिए ना म्यूचुअल फ्रेंड्स। बट आशा करता हूं कि हमारे बीच जो हम लोग फ्रेंड्स हैं, आदतें म्यूचुअल नहीं होती, हमारे बीच आदतें कॉमन होती हैं। जब हम स्कूल में पहुंचे थे, सबसे पहले फ्रेंड्स बनाए थे, तो एक चीज जरूर कॉमन थी, हम लोग सेम स्कूल से थे। उसमें और भी चीजें कॉमन थी, हम सेम क्लास में पढ़ते थे, उसमें और भी चीजें कॉमन थी, हमारा सेक्शन भी सेम था, इसीलिए तो फ्रेंड्स बने। या फिर सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने जाकर, एक स्कूल मेरा था जो जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैंने दिल्ली के स्कूल के फ्रेंड बना लिए थे, ऐसा तो नहीं था, बिकॉज ना हमारी सिटी कॉमन थी, ना हमारी स्कूल कॉमन था, ना हमारा सेक्शन कॉमन था, कुछ भी ऐसा नहीं। धीमे धीमे बड़े हुए, फिर और चीज़ें मिलती गई, हम लोग कोचिंग पर साथ पढ़ते थे तो हमारी कोचिंग सेम थी, हम लोग साथ में जाते थे, ट्रेन में साथ में ट्रेवल और अप डाउन किया करते थे। ऐसे सारे टर्म्स के आधार पर जज कीजिए प्रैक्टिकली। आई स्वेयर आई विल मार्क यू द आंसर के फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड्स क्यों नहीं होते, फेसबुक पर म्यूचुअल फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। बट यस, उससे पहले चूंकि मैं ग्रामर मार्क करूंगा, तो ऑक्सफोर्ड के आधार पर आपको वापस कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं। व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, म्यूचुअल फ्रेंड्स को फेसबुक क्यों लिखती है, जरा इसी वीडियो के आगे आप देख लीजिएगा। उससे पहले इसीलिए डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ, ना कि कोई बुकिश टर्म आपको लिख दिया जाएगा, भाई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, क्यों पता नहीं, बुक में रूल लिखा था इस बात का ना। तो जो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने जब सबसे पहले स्कूल में दोस्त बनाए थे, उनके बीच भी चीज़ें कॉमन थी, तो जब हम कॉलेज पहुंचे तब भी कुछ यही सीन था कि हम लोग सेम ब्रांच में थे, हम सेम कॉलेज में थे, सेम बस में जाते थे, दैट्स व्हाई वी बिकेम फ्रेंड्स। तो द वेरी फर्स्ट फ्रैक्शन, आप जब भी चीज़ों में
कॉमन सेंस रखते हैं, समान चीज़ें रखते हैं, तभी जाकर आप आपस में फ्रेंड्स बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं, उसे वो सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच काफ़ी सारी आदतें कॉमन कही जाती हैं, इसीलिए ग्रामर अलाउ करती है कि आप फ्रेंड्स को हमेशा कॉमन यूज़ करें। फाइन, काफ़ी सारा बोल लिया कि फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। एक पॉपअप मन में हम सबके चल रहा है, सर फिर फेसबुक क्यों म्यूचुअल फ्रेंड्स लिखती है? तो ग्रामेटिकली जितनी रिसर्च मैंने इस चीज़ पर कर पाई, आई फाउंड कि 1591 के आसपास इस शब्द का इस्तेमाल म्यूचुअल फ्रेंड्स शेक्सपियर ने किया था। और जो ये चीज़ एक बार शेक्सपियर ने लिख दी, वो तो ऑब्वियसली फेमस होनी थी, बट उनका इंटेंशन कुछ और था। अब शेक्सपियर ने क्यों किया, वो उनकी स्टोरीज थी, बाद में कई राइटर्स ने इसी शब्द को रिपीट भी किया। बट यस, मैं आपके फेसबुक वाले टर्म को दिखा सकता हूँ। लेटर ऑन इस शब्द को ग्रामेटिकली गलत माने जाने लगा। ऑक्सफोर्ड आज भी एक ब्लॉग बनाकर लिखती है कि फ्रेंड्स कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं। हाउएवर, आजकल की नैतिक बोलचाल की भाषा में हमने कॉमन फ्रेंड्स की जगह म्यूचुअल फ्रेंड्स कहना शुरू कर दिया है, और ये वाइडली एक्सेप्टेड होता जा रहा है, बिकॉज इंटरनेट के यूज़ के हिसाब से ग्रामर हर कोई नहीं पढ़ता। बट जो चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, जो हर वक्त देखने को मिलती हैं, वो एक्सेप्टेंस में आ जाती हैं। तो आजकल आई अग्री कि म्यूचुअल फ्रेंड्स की जगह, कॉमन फ्रेंड्स की जगह म्यूचुअल फ्रेंड्स कहना जायज़ बन चुका है, बट ग्रामेटिकली इसे आज भी इनकरेक्ट माना जाता है। क्यों? तो ज़रा जज कीजिए। अगर फ्रेंड्स कॉमन होते, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया क्या बोल, अगर फ्रेंड्स म्यूचुअल होते, एक्सट्रीमली सॉरी, तो फिर उनके बीच की आदतें कुछ ऐसी जाती कि आप इधर जाएंगे तो मैं इधर जाऊंगा, आप उधर जाएंगे तो मुझे उधर जाना है, और ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, फेसबुक पर यही होता है। जनरली जिन फ्रेंड्स को मैंने अपने ही शहर से, अपने कॉलेज और अपने स्कूल से ज्वाइन कर रखा है, वो मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। हमने कभी ना कभी ऐसी शरारत तो की होगी कि मैंने विराट कोहली को एड रिक्वेस्ट भेज दी, मैंने अनुष्का शर्मा को एड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने शाहरुख खान को एड रिक्वेस्ट भेज दी थी, गलती से मान लीजिए उन्होंने ऐड भी कर लिया। मैंने 4-5 फॉरनर्स भी अपने फेसबुक में ऐड कर रखे हैं। अब जब आप 5 फॉरनर्स को अपने फेसबुक पर रखते हैं, आपने शाहरुख खान को अपने फेसबुक पर रखा है, आपने अपने शहर के कलेक्टर को भी ऐड कर रखा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ज़रा कॉमन सेंस से बताइएगा आपके बीच और विराट कोहली के बीच क्या कॉमन है जिसके लिए मैं आपको और कोहली को कॉमन फ्रेंड्स कह दूं। आपके बीच एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, मेरे बीच एक टीचर और एक कलेक्टर के बीच क्या चीज़ कॉमन है? वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, उसका काम बिल्कुल अलग है, मेरा काम बिल्कुल अलग है, और एक स्टूडेंट का काम बिल्कुल अलग है, क्रिकेटर बिल्कुल अलग है, एक्टर और एक्ट्रेस का काम बिल्कुल अलग होता है, फिर भी हम लोग फ्रेंड्स हैं। That's why they use mutual friends, because हमारे बीच समानता नहीं है। कुछ एकाध चीज़ कह दिया कि भारतीय हैं तो वो फॉरेनर्स को ऐड करने में चली जाती है। भाई मैंने 4 फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड और जर्मनी के भी ऐड कर रखे हैं। अब मेरे और स्विट्जरलैंड वाले इंसान के बीच रैंडम कोई भी सजेशन आ गया, आपने ऐड रिक्वेस्ट भेज दी, उसने आपको ऐड भी कर लिया, तो उन दोनों के बीच चीज़ें कॉमन नहीं है, इसीलिए आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स कहना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मेरा कहना था। भाषा जब तक लिखित में थी तब तक यही टर्म्स थे कि आपके फ्रेंड्स को आपको हमेशा कॉमन कहना चाहिए, इसीलिए ग्रामेटिकली आज भी म्यूचुअल फ्रेंड्स को सही नहीं माना जाता। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट, हम लोग सब यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत लोगों को फॉलो कर रखा है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो बाहर के हैं, ट्विटर पर किसी अननोन को भी मैंने फॉलोइंग लिस्ट में बना रखा है, कोई भी अच्छा मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला, हम उसे ऐड कर लेते हैं फेसबुक पर। दैट्स वाई आज इंटरनेट की एज में मेरे पास चंडीगढ़ के भी फॉलोअर्स हैं, मेरे पास यहाँ के भी फॉलोअर्स हैं, ज़रा आप ही देख लीजिए यूट्यूब पर। थैंकफुल वंस अगेन, बट यस, मेरे पास ऑल इंडिया में हर स्टेट से लगभग फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग का सपोर्ट, थैंक्स वंस अगेन। मेरे पास लगभग हर स्टेट के लगभग हर शहर से फॉलोअर्स हैं, फ्रॉम लखनऊ, यूपी, पोर्ट ब्लेयर, उड़ीसा, हिमाचल, हर जगह से हैं। अब कॉमन सेंस से देखिएगा, मेरे और आपके बीच कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ इस बात के बजाय कि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप किसी और शहर के, मैं किसी और शहर से, आपकी आदतें कुछ और हैं, मेरी आदतें कुछ और हैं, मुझे नहीं पता आपकी आदतें क्या हैं, आपको नहीं पता मेरी आदतें क्या हैं, फिर भी हम में से कुछ लोग फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं। नाउ व्हाट वी आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स में कहे जाते हैं। काफ़ी मैंने बोला, आशा रखता हूँ आपको क्लियर होगा।
फ्रेंड्स को कॉमन कहा जाता है बिकॉज इनके बीच जो चीज़ें होती हैं वो समान होती हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम कॉमन फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, जो फेसबुक के ज़माने में जो इंटरनेट के ज़माने में हमने फेसबुक पर फ्रेंड्स बना रखे हैं, दे आर ऑनेस्टली म्यूचुअल फ्रेंड्स, बिकॉज कुछ लोगों के बीच तो समानता है बट ज़्यादातर इंटरनेट क्या कहता है कि आप वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी ऐड कर रखते हैं, और उस केस में फेसबुक भी यही यूज़ करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस केस में जब मैंने वर्ल्ड से कनेक्टिविटी ली है तो हो सकता है हमारे बीच चीज़ें कॉमन हो, ज़्यादातर हमारे बीच चीज़ें कॉमन नहीं होती इस एज में, इसलिए हम लोग फ्रेंड्स को म्यूचुअल यूज़ करते हैं। बट यस, हम में से जो लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, यदि आपके एग्जाम में कोई सेंटेंस लिखा आता है एरर डिटेक्शन में कि रवि एंड मोहन आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो उसे फेसबुक की नज़र से मत देखेगा। ग्रामर हर चीज़ की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड और फॉर्मल टर्म्स को यूज़ करती है। मैंने कई बार कई वीडियोज में आपसे कहा होगा कि हर भाषा में गालियाँ होती हैं बट किताबों में लिखकर हमें पढ़ाई नहीं जाती। वी कॉल देम फॉर्मल लैंग्वेज, आइदर हिंदी और इंग्लिश और व्हाटएवर। सिमिलरली फॉर्मल इंग्लिश में फ्रेंड्स कॉमन होते हैं, जबकि आजकल की इनफॉर्मल भाषा में, बोल चाल की भाषा में, कॉमन पैरलेंस में, यूएस इंग्लिश में म्यूचुअल फ्रेंड्स कहना जायज है। जरा इन शब्दों को बोर्ड पर देखते हैं। सो लुक एट दीज टर्म्स, ओके, एज आई मेंशन्ड यू दैट जनरली म्यूचुअल शोज reciprocal relation, that's the, you know, I can explain you in this fashion, like agar ye relation kahin par hai, ye understanding hai, ye terminology hai, ye rishta hai, us case mein aap use hamesha mutual kahiyega. Aur common shows joint possession, agar ek cheez badhti hai tab dusri cheez kam ho jati hai to use hamesha mutual kaha jata hai, और जब दोनों चीज़ें समान स्तर पर बढ़ती हैं उसे हमेशा कॉमन कहा जाता है। तो आप जज करें, जैसा मैंने पिछले कई टाइम से आपको बोला है कि जनरली फ्रेंड्स के बीच आदतें कॉमन होती हैं, इसीलिए हम उन्हें कॉमन कहते हैं। इंटरनेट के एज में हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स कह देते हैं बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि मेरे और विराट कोहली के बीच चीज़ें कॉमन हो। इसीलिए वेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सेंटेंस गलत है कि ही एंड आई आर म्यूचुअल फ्रेंड्स। हाउएवर दिस इज करेक्ट इन टुडेज इंग्लिश, इन इनफॉर्मल इंग्लिश, इन अमेरिकन इंग्लिश, बोलचाल की भाषा में ये चीज आजकल सही है। एग्जाम में जब एरर डिटेक्शन दिखाती है तो वहां हमारे नंबर काट लिए जाते हैं कि फ्रेंड्स कॉमन होते हैं, म्यूचुअल नहीं। तो एग्जाम पर्पस से ध्यान रखें, बाकी फेसबुक हम सभी यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही एंड आई आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, वी गॉट टू से ही एंड आई आर कॉमन फ्रेंड्स। सो हम लोग कॉमन हैं क्योंकि हमारे बीच जो आदतें हैं, यादें हैं, वो हमेशा कॉमन कही जाती हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई हैव मैनी थिंग्स इन म्यूचुअल, ये मैंने लिखा है भाई, मेरे दोस्तों और मेरे बीच कई चीज़ें म्यूचुअल हैं, तो म्यूचुअल नहीं हो सकती। कई चीज़ें तो समान होंगी, कुछ चीज़ें म्यूचुअल हो सकती हैं। आई रिपीट, माई फ्रेंड्स एंड आई हैव मैनी थिंग्स इन म्यूचुअल ना होकर मैनी थिंग्स इन कॉमन। तभी तो हम दोस्त बने, जिसकी आदतें हमसे अलग होती हैं, जिसकी चॉइसेस हमसे अलग होती हैं, वो कभी हमारा फ्रेंड नहीं हो पाता। इसीलिए मेरी और उसके बीच जो चीज़ें हैं वो हमेशा कॉमन कही जाती हैं, ना कि म्यूचुअल। थोड़ी बहुत चीज़ें म्यूचुअल भी हो सकती हैं। ओके, लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट, ही एंड आई हैव ब्लैंक स्पेस अंडरस्टैंडिंग, ही एंड आई हैव म्यूचुअल और कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब ये चीज समझने लायक है कि हमारे बीच, मैंने आपको काफी देर से एक ही लाइन बोली, फ्रेंड्स हमेशा कॉमन होते हैं, फाइन, बट उन फ्रेंड्स के बीच, उन परिवार के सदस्यों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग कही जाती है, मुझे नहीं पता, उसे हमेशा म्यूचुअल कहा जाता है। आई डोंट नो, अंडरस्टैंडिंग हमेशा म्यूचुअल मार्क की जाती है। ऐसा क्यों? तो इस बात को भी जज कीजिएगा। माना कि मेरे और मेरे पिताजी, माताजी, भाई बहन सबके बीच चीज़ें कॉमन हैं, हम लोग एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, सब एक ही घर के सदस्य हैं, सब लोग साथ में खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्पेक्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट केयर, ऐसी चीज़ें कभी कॉमन नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ें ही म्यूचुअल कही जाती हैं। अब ऐसा क्यों सर, ये नहीं समझ में आया, तो ज़रा जज कीजिए। आई रिपीट, जो पीछे डायग्राम बने हैं ज़रा इनको वापस देखिएगा। म्यूचुअल शोज रेसिप्रोकल रिलेशन, वेयर एज कॉमन शोज जॉइंट पोजेशन। जज कीजिए पिताजी और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग, जज कीजिए आपके बेस्ट फ्रेंड और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग, बोथ आर द सेम। व्हाई? जब पिताजी को गुस्सा आया और उसी वक्त मैंने भी गुस्सा कर दिया, तो आशा रखता हूँ वो फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। ये बात तो कॉमन थी ना,
लेकिन हाँ, जब पिताजी को गुस्सा आया और उस वक्त मैं डाउन रह गया, तो कल कभी मैं भी एक शब्द बोलूंगा तो पिताजी सुन सकते हैं। वी कॉल दिस म्यूचुअल। जरा दोस्तों से जज करके देखिए, कभी ऐसा होता है कि भाई आज तूने पैसे दिए हैं तो मैं भी पैसे दूंगा? यदि हाँ, तो आपके बीच के चीजें जो अंडरस्टैंडिंग रहेंगी वो कॉमन रहेंगी। लेकिन नहीं, हम फ्रेंड्स के साथ कुछ ये रिश्ता रखते हैं, भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज तुम दे दो, जब तुम्हारे पास नहीं होंगे तो वहां पर मैं दे दूंगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है। भाई हम लोग साथ में रूम लेकर तैयारी करते थे, साथ में पढ़ते थे, हम में से कई लोग करते भी होंगे, तो हम दो लोग रहते हैं। अब उस केस में सब ने अपना अपना काम बांट रखा है, सुबह बर्तन मैं धो जाता हूँ, शाम को आके कपड़े वो धो लेता है, और एटसेट्रा, जो भी हम काम करते हैं। ऐसा होता है क्या कि भाई हम दो लोग रूम लेके रहते हैं और वो भी कपड़े धोता है, मैं भी कपड़े धोता हूँ, वो भी बर्तन नहीं धोता, मैं भी बर्तन नहीं धोता? ऐसा नहीं होता भाई, कुछ काम तुम कर लो, कुछ काम मैं कर लूंगा। इसको हमेशा म्यूचुअल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स तो हम कॉमन है, बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है, वो आपस में म्यूचुअल है। ऐसा नहीं होता कि आपने गुस्सा किया, उस वक्त मैंने भी गुस्सा कर दिया, फिर रिलेशन किस बात का? तो ठीक है, आज ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आज तुमने गुस्सा किया, कल कभी मेरा टाइम होगा, मैं भी आपसे कुछ कह पाऊंगा, बट नॉट एट द सेम टाइम। तो वो फ्रेंडशिप, वो रिलेशन, वो फैमिली नहीं चल सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड इन तीन एग्जाम्पल्स के साथ कि यदि हम लोग दोस्त हैं तो ऑब्वियसली हमारे बीच जो चीज़ें हैं वो कॉमन रही होंगी, इसीलिए हम लोग दोस्त बने। किसी अच्छे इंसान को बुरी आदतों वाला इंसान पसंद नहीं आता, ऑब्वियसली कोई जो गलत जगह पर बैठा उसे मंदिर का पुजारी भी शायद पसंद नहीं आता, तो क्योंकि उनके बीच की जो चीज़ें हैं वो म्यूचुअल हैं, कॉमन नहीं है। तो वी आर फ्रेंड्स, वी आर कॉमन फ्रेंड्स, वी हैव सम थिंग्स इन कॉमन, नॉट म्यूचुअल, बट यस, हमारी जो समझ है, हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारी जो केयर है, वो आपस में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है। जब उसे गुस्सा आता है तो मैं सुन लेता हूँ, जब कभी मैं गुस्सा कर देता हूँ वो सुन लेता है। शायद मैंने आपको काफ़ी समझाया। इस बहाने ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स के साथ हमेशा कॉमन लिखा जाता है रिटन इंग्लिश में। आजकल के नेटिव और पैरलेंस के तौर पर हमने म्यूचुअल फ्रेंड्स कहना शुरू कर दिया है। आप इसे लिखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और। इन वर्ड्स के बीच एक डिफरेंस ये भी आता है, जैसा मैंने कि आपको यूज ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के केस में डिटेल में समझाया था, और उसके बाद एक वीडियो शेयर किया था, डिफरेंस बिटवीन इट इज मी एंड इट इज आई। कब इट इज मी होता है, कब इट इज आई होता है, क्यों किताबें इट इज आई पढ़ाती हैं, इट इज मी को गलत साबित करती हैं, जबकि नेटिव स्पीकर्स हमेशा इट इज मी कहते हैं, इट इज आई कहते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो, डिटेल में जरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन द सेम फैशन आई कैन मार्क माई वर्ड्स हियर कि जनरली जो टर्म कॉमन फ्रेंड्स है ये फॉर्मल इंग्लिश का है, और फॉर्मल हमेशा यूके पार्ट में जाता है, तो ब्रिटिशर्स कंसिडर फ्रेंड्स एज कॉमन। जबकि जो टर्म म्यूचुअल फ्रेंड्स का है वो फेसबुक ने वायरल किया है, और फेसबुक अमेरिकन पार्ट को दिखाती है। ऑल दीज पीपल, बिल गेट्स हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, ये सारे हमेशा US इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस यहां भी आ जाता है कि व्हेन इट कम्स टू ब्रिटिशर्स दे प्रेफर सेइंग कॉमन फ्रेंड्स, व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन्स दे प्रेफर सेइंग म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो आजकल इनमें डिफरेंस ऐसे भी काउंट किया जाता है कि US इंग्लिश म्यूचुअल फ्रेंड्स, UK इंग्लिश कॉमन फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश कॉमन फ्रेंड्स, अमेरिकन इंग्लिश म्यूचुअल फ्रेंड्स। बट जी हाँ, हम दो लाइन याद रखेंगे, जब हमें डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करना है, एग्जाम्स नहीं लिखने हैं, उस केस में हमारे भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। बिकॉज हाँ, हम लोग ऑब्वियसली अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों को ऐड कर लेते हैं जिनको हम शायद ना जानते हों, तो हमारी पर्सनल लाइफ है, उससे ग्रामर का रिश्ता नहीं है, वी कैन कॉल देम म्यूचुअल फ्रेंड्स। बट यस, कीप इट इन योर माइंड कि जब भी आपको एग्जाम में एरर डिटेक्शन में कभी गलती से लिखा मिले कि ही एंड आई आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो जरूर वो थर्ड फ्रैक्शन गलत है, जहां पर म्यूचुअल फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया गया है, आपको वहां पर कॉमन फ्रेंड्स लिखना होगा। फाइनलाइजिंग दिस वीडियो है, आशा करता हूं कि आपको डिटेल में फिर डिस्क्रिप्शन के साथ, रीजन के साथ फिर से मार्क किया कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, ना कि सिर्फ किताबी भाषा में रूल लिख करके भाई ऐसा होता है लिखा है। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, क्यों? वैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट क्यों है नहीं जानते तो मैंने अपने चैनल जब स्टार्ट किया था उसके कुछ ही समय बाद एक वीडियो शेयर किया था, डू वॉच अ वीडियो, वाई देयर आर साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं ऊपर कि वाई देयर आर साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से स्टार्ट क्यों होती है, सुनामी की स्पेलिंग टी से स्टार्ट क्यों होती है। काफी मेहनत और रिसर्च करने के बाद एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, रीजन बिहाइंड साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। फाइनलाइजिंग दिस वीडियो हियर, अन अकेडमी पर कोर्सेज चल रहे हैं, जो हम में से बैंकिंग स्ट्रीम चाहता हो वो ज़रूर मुझे वहाँ पर फॉलो करे, फॉलो तो कोई भी कर सकता है, वेलकम, और जिनको चाहिए वो मेरा
प्रोमो कोड यूज कर किसी भी स्ट्रीम के लिए फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको इंडिया के मोस्ट टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है, वो भी लाइव अपने घर बैठे हुए। तो यूज माय प्रोमो कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो मी ऑन देयर कपिल देव शर्मा, मेरा प्रोफाइल चेक करके प्लीज फॉलो कीजिएगा, और वहां पर आप किसी भी कोर्स की किसी भी स्ट्रीम के लिए मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। दैट इज कपिल सर, KAPILSIR। आई रिपीट, कपिल सर, KAPILSIR। इस वीडियो में इतना ही, वापस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर ऑल द न्यूएंसेस कि इस शब्द में ऐसा होता है तो क्यों होता है, और नहीं तो क्यों नहीं, कब होता है, कब कब नहीं होता। थैंक यू, थैंक्स ऑलवेज फॉर योर सपोर्ट। दिस इज कपिल देव शर्मा, ऑलवेज वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। Thanks a lot. Thank you.